अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डॉक्टर सुमैया हियर, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मुझे भी ये किसी ने वीडियो में पूछा है कि प्रोटीन के बारे में बताओ कि हमें अगर हम लोग नॉर्मल सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है तो हमें कितना प्रोटीन लेना चाहिए और प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए, ये भी ज़रूरी है बिकॉज हमारा जो बॉडी की मसल्स है वो प्रोटीन की बनती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हमारी बॉडी में मैं बोलूँगी हमारा अगर बाल है, नाखून है, आँख की पुतली है, हेयर हो गया और बोन्स हो गई, इसमें बहुत हद तक मसल्स हो गई, इसमें बहुत हद तक हमारी बॉडी में प्रोटीन है। प्रोटीन से बन के ही मसल्स बनती है, हेयर बनती है। तो अगर आपके खाने में प्रोटीन इंटेक कम है तो आपको हेयर फॉल हो सकता है, आपको मसल लॉस होगा, आपके हाथ लटकने लगेंगे, स्किन ढीली पड़ जाएगी और जो शार्म है, इलास्टिसिटी है बॉडी में मसल्स के अंदर, स्किन के अंदर, वो कम हो जाएगी अगर आपके खाने में प्रोटीन इंटेक कम होगा। ठीक है, अभी क्योंकि प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हर एक की जो बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है, चाहे आपकी एज छोटी है या फिर आप एज है, हर एक की बॉडी के हिसाब से, काम के हिसाब से प्रोटीन इंटेक अलग होता है। अगर अगर आप एक यंग इंसान हो, 20 to 30s के बीच में आपकी एज है, तो आपको आपका जो प्रोटीन इंटेक है, प्लस अगर आप एक्टिव हैं, जिम जाते हैं या वर्कआउट करते हैं, तो आपको जो प्रोटीन लेना है, सपोज अगर आपका वजन 70 किलो है, तो आपको 70 किलो के हिसाब से अराउंड 70 ग्राम 70 ग्राम प्रोटीन आपको दिन भर में खाना है। और यूजुअली प्रोटीन आप नेचुरल सोर्स से ले सकते हैं, या फिर अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम कम पड़ रहा है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप उसको सप्लीमेंट के फॉर्म में ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी एज कम है तो आपको आपके आइडियल बॉडी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। अगर आपकी एज ज़्यादा है, अगर आप अबव 50 है, तो आपको प्रोटीन लेना है आपके आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। आपकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल अगर है तो ज़्यादा प्रोटीन ना लें, क्योंकि हाई प्रोटीन से आपको कब्ज हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है और आपको डाइजेशन इश्यू हो सकता है। सो मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन लीजिए, प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लीजिए अगर आपकी एज ज़्यादा है। और एज कम है, अगर आपको सिर्फ मिडल एज ग्रुप में है, 30s to 35, 20s to 35 अगर एज है, तो आपको मैं बोलूँगी कि आप अपना प्रोटीन सप्लीमेंट ले सकते हैं। बट अगर एज ज़्यादा है और आपकी एक्टिविटीज़ नहीं है, तो आप प्रोटीन सप्लीमेंट कम से कम लें। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक आवर वीडियो, कमेंट करिए कि आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।